आज हम सुबह पहुंचे हैं हरे कृष्णा जी के घर। उनके घर पहुंच के बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि देसी गाय के बीच में मैं खुद को देख पाऊं, देसी गाय को स्पर्श कर पाऊं। और आज वो हरे कृष्णा जी का घर में आके मेरे को सौभाग्य हुआ कि मैं देख पाया, स्पर्श कर पाया। नंदी महाराज भी थे, बैल जिसको आप कहते हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। उनके साथ मैं एक बहुत जबरदस्त सेल्फी उठाया हूँ और ये सब आपके वजह से ही संभव हुआ है। हरे कृष्ण जी, गुरु जी हमें आपके पास आपके बारे में कल ही बताया था और उनके हरे कृष्ण जी के बारे में आलोक जी के मुँह से मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, आपके बारे में बहुत कुछ जानता था। आज आप देख पाया, आपके साथ रहा, आपके फार्म हाउस में गए हम। फार्म हाउस का एक्सपीरियंस एक अद्भुत, एक मैजिकल जिसे कहते हैं, वैसा अनुभव था। पहुंचे वहां पे तो हमको दिखा कि आपने किस तरह से जैविक खेती जिसे बोलते हैं या ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, उसे जिंदा रखा है, उस प्रणाली को जिंदा रखा है। और इस गाँव में कहा जाए कि सबसे कल्याणकारी जगह अगर कुछ है तो आपका शायद फार्म हाउस ही है। जितनी सुंदरता से आपने वहाँ पे एक तालाब भी बना के रखा है, उसे मेंटेन किया है, सुंदर खूबसूरत। हम सिर्फ वहाँ पे गए नहीं, वहाँ पे हमने आपकी मदद से, आपकी सहायता से हमने गौमूत्र से अपना मसाज किया, लेपन किया, गोबर स्नान किया। गोबर स्नान का एक अद्भुत अनुभव है हमारे पास, शरीर हल्का कर देता है, हर टॉक्सिन घर शरीर से निकाल देता है। असंभव हो पाया आपके ही आशीर्वाद से। और हम सब जितने भी हमारे कलीग्स थे, चिनू भाई, आलोक जो भी, प्रकाश भाई, भवानी भाई और विवेक भाई, हमारे सुभाष भाई, सब एक साथ हम उस चीज़ का अनुभव ले रहे थे, प्रकृति के साथ खुद को जोड़ पा रहे थे। उसके बाद आप हमें भोजन का आप इंतजाम किए थे, एक बेहतरीन भोजन इसलिए क्योंकि आज के समय में ऑर्गेनिक राइस जिसे साधारण तौर पे लोग जानते हो पाना बहुत असंभव जैसा है या बहुत कीमती है, और वो हमें मिला जैविक चावल के साथ दालमा, जो उड़ीसा का एक फेमस डिश है। हमने भोजन किया उसका और बहुत संतुष्ट हुए थे, बहुत स्वाद से लेकर उसके मात्रा से तक बहुत संतुष्ट थे, बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप भी अगर इस अनुभव को फील करना चाहते हैं तो आप हरे कृष्ण जी को कॉन्टेक्ट करें, आप उनसे मिलें, उनको समझें, सीखें कुछ उनसे। हम तो उन्हें गुरु ही मानते हैं, एक वैज्ञानिक है वो, आप उनसे सीखें, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। जैविक खेती को लेकर कैसे खुद को तैयार करते हैं, साधना कैसे लगाते हैं उसमें, क्योंकि वो सिर्फ किसान तो नहीं है, जवान भी हैं, तो साधु हैं, संत हैं, आप फकीर पकड़ लीजिए और अपने विचार को सबके सामने बराबर पे रखते हैं, हर किसी को तैयार रहते हैं सिखाने के लिए। और उससे भी आगे जब हम आज भोजन करके वापिस उनके घर पे आए तो एक मौका मिला कि वो अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा किए, हमने भी उनकी सहायता की, उनके साथ गए हम और हम लोगों से मिले। लोगों से जुड़ना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है, अगर आप ठीक से पहुंच पा रहे हैं, उनसे मिल पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं, यही आपकी सबसे बड़ी अनुभूति होती है लोगों को जानने और सुनने में। तो उस चीज़ का व्यवस्था आपकी आशीर्वाद से हुआ, आप सबको इकट्ठा किए, चिनू भाई के नेतृत्व में अनुष्ठान चला, हम सब उसमें अपने अपने बातों को रखा है जो कि वो भी रिकॉर्डेड होगा। चिनू भाई, हरे कृष्ण भाई आपको दिखाएंगे या आप देख पाएंगे। एक अनुभव लोगों के साथ मिलकर, लोगों के साथ रहकर, और वापिस में हम उन्हीं के धाम पे, ये हमारे लिए धाम ही होगा, उनके आशीर्वाद से। फिर हम रात्रि का भोजन भी व्यवस्था हो रहा है, हर किसी को कहूँगा जो भी आप जैविक खेती विज्ञान, कृषि विज्ञान जिसे कह सकते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान जिसे कह सकते हैं, क्योंकि एक ही है, बस समझने के अलग अलग होते हैं। तो आप इनसे जो हरे कृष्ण भाई से मिलिए, के बारे में आप जानिए, इनसे बात करिए,
इससे ज्यादा फिलहाल इस रात्रि में और कुछ नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण जी, जो आपके वजह से आपके आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।